कक्षा 7 में पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जानने के लिए पहले आपको जानना होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। जैसा आप लोग जानते हो कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जब जीरो की उत्पत्ति हुई तो जीरो को इसमें जोड़ दिया गया। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसे पूर्ण संख्या बोला गया। तो ये हो गई पूर्ण संख्या, जीरो और प्लस उसके साथ जितनी प्राकृतिक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर धनात्मक है तो धनात्मक पूर्ण संख्या है, अगर ऋण की है -3, -2, -5, -8, -10, -100 तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से भिन्न के बारे में आप लोग जानते हो, भिन्न क्या होता है, भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश क्या है, एक पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, और हर क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। अगर ऋण हो जाता है तो वो भिन्न नहीं है। जैसे 4, अगर केवल 4 की बात की जाए तो 4 क्या है, एक पूर्णांक है। -6 की बात की जाए तो क्या है, एक पूर्णांक है। 12/5 की बात की जाए तो ये पूर्णांक नहीं है, क्या है, भिन्न है। अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, पूरा मिलाकर 12/5 क्या है, भिन्न है। लेकिन अगर -5/4 की बात की जाए, यहाँ ऋण लग गया, तब ये ना तो पूर्णांक है ना भिन्न है, तो फिर क्या है, तब ये परिमेय संख्या है। यानी कि कोई भी भिन्न जो होती है, चाहे ये हो चाहे ये हो, उसको पूर्णांक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। लेकिन कक्षा 7 परिमेय संख्या संख्याओं का पहला चैप्टर यानी एक्सरसाइज 1A, उसका पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर एक हो। ये पूर्णांक है, -7 है, 11 है, 27 है, कह रहा है इनको परिमेय संख्या बदलिए। परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों का होना आवश्यक है। तो और कह रहा इनको जिनका हर एक हो, तो हर एक भाग एक कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक का भाग देने का, हो गई परिमेय संख्या। भाग दे दीजिए एक का, हो गई परिमेय संख्या। भाग दे दीजिए एक का, हो गई परिमेय संख्या। ऐसे ही आगे दिया -45 तो -45/1 परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके आगे दिया 71 तो दिया 71 तो 71/1 परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही सवाल नंबर 2, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अब नंबर का में क्या बोल रहा है, जिसका अंश 8 हो, और यहां अंश कितना है, 4। तो हम क्या करें, इस 4 में कितने गुणा करा दें कि 8 हो जाए, 2 का यदि हम गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, -8/5 गुनी अंश कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमें 8/-10 को 8/-10 भी लिख सकते हैं। जैसे इसके अगला है खा, खा नंबर पे कह रहा है -16, अंश करते -16 तो -4/5 था हमारे पास, 4 में कितने गुणा करा दे कि 16 हो जाए, 4 का 4 × 16, 4 का अगर हम गुणा ऊपर करा रहे हैं अंश में तो हमें उतने का ही हर में कराना पड़ेगा, जिससे कि इस भिन्न की या इस परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना पड़े। तो 4 का गुणा कर दिया और भाग कर दिया तो 4 × 16 -4/5 हो गया, हर 16 आ गया, हर 8 आ गया। ऐसे ही गा कह रहा है 20, तो 5 गुणा करा दे तो 5 × 20 तो 5×25 20/20 आ जाएगा। इसी तरीके से -24 तो 6 का गुणा करा दे ऊपर भी नीचे भी तो 24/30 हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 3 है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। का खा दा धा 4 सवाल दिए, तो पहला नंबर का में हर कितना लाना है, 7।
संख्या क्या है? माइनस पांच बटे माइनस सात। सात तो हर है लेकिन माइनस का है, माइनस और माइनस का भाग होगा तो प्लस हो जाएगा, तो सीधे पांच बटे सात ऐसे ही लिख सकते हैं। हर हो गया कितना? सात हो गया। ऐसे ही अगला खा नंबर लिखा है माइनस का चौदह। माइनस पांच बटे माइनस सात है, अब इस हर में कितने गुणा कराते हैं कि सात की जगह पर चौदह हो जाए? दो का, तो दो का गुणा कराएंगे तो दो का भाग कराएंगे। अब दो पंचे दस और सात दूनी तो हर हो गया माइनस का चौदह। ऐसे ही घा नंबर इक्कीस लाना है और घा में माइनस पैंतीस लाना है, तो घा नंबर में इक्कीस, तो इक्कीस लाने के लिए माइनस पांच बटे माइनस सात, माइनस का सात है और लाना में प्लस का इक्कीस है, गुणा करा दें तीन का तो हो जाएगा इक्कीस, लेकिन हो जाएगा माइनस का इक्कीस, तो माइनस तीन का अगर गुणा कराते हैं तब माइनस माइनस प्लस हो गया और पांच तीन पंद्रह बटे माइनस माइनस प्लस हो गया और सात त्रिक इक्कीस, हर आ गया इक्कीस। ऐसे ही घा में माइनस पैंतीस लाना है, तो सात में पांच गुणा करा दे पैंतीस होता है, तो पांच का भाग पांच गुणा करा दे तो आ जाएगा माइनस का। अब अगला सवाल नंबर चार, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर ये परिमेय संख्या है, इसका अंश है माइनस नौ और हर है माइनस ग्यारह, हर को बनाना है धनात्मक, तो क्या करें? जब चिन्ह बदलना हो केवल तो हमेशा माइनस एक का गुणा कर दे और माइनस एक का भाग कर दे, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में कराने पर संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, इसलिए ये हो गया माइनस माइनस प्लस नौ एकम नौ और माइनस माइनस प्लस ग्यारह एकम ग्यारह, हो गया हर धनात्मक। ऐसे यहां पर है, इसमें माइनस एक का गुणा और माइनस एक का भाग करा दिया, तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस और ग्यारह एकम ग्यारह बटे माइनस माइनस प्लस और सत्रह एकम सत्रह, हो गया हर धनात्मक। इसी तरीके से गा है माइनस चार बटे माइनस उन्नीस, इसमें माइनस एक का गुणा करा देंगे भाग करा देंगे, और घा है सात बटे माइनस तेरह, इसमें भी माइनस एक का गुणा और माइनस एक का भाग करा देंगे, चिन्ह बदल जाएंगे केवल। ऐसे ही अगला सवाल नंबर पांच है, लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। नंबर चार में पढ़ा था आप लोगों ने कि हर को धनात्मक बनाइए, पांचवें में पढ़ेंगे अंश को धनात्मक बनाइए। ऋणात्मक है धनात्मक बनाने के लिए कार्य वही करना है, माइनस एक का गुणा और माइनस एक का भाग, माइनस माइनस प्लस, सात एकम सात, माइनस और प्लस जब कोई भी संख्या का कोई भी चिन्ह ना हो तो वो धनात्मक होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तेरह एकम तेरह, हो गया अंश धनात्मक। ऐसे ही यहां पर करते हैं माइनस एक का गुणा माइनस एक का भाग, तो माइनस माइनस प्लस और ग्यारह एकम माइनस माइनस प्लस और उन्नीस एकम उन्नीस, हो गया अंश धनात्मक। ऐसे ही गा है माइनस अठारह बटे तेईस, तो यही कार्य करेंगे माइनस एक का गुणा माइनस एक का भाग, और घा है माइनस उन्नीस बटे माइनस तेईस, तो माइनस एक का गुणा माइनस एक का भाग करके अंश को धनात्मक कर देंगे। अगला है सवाल नंबर छह, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है? ये चार है, इनमें पहचानना है कौन सी धनात्मक है। अब देखिए माइनस नौ बटे माइनस तेरह, अंश और हर दोनों माइनस का, तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो सकता है, तो बचा केवल नौ बटे तेरह, यानी कि ये परिमेय संख्या धनात्मक है। यही इसमें यहां प्लस है या माइनस है, इसमें क्या है? इसमें माइनस नहीं कर सकता, यानी कि यह संख्या ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं, केवल धनात्मक पूछ रहा है, तो आपको यह नहीं लिखना है कि ऋणात्मक है, आपको लिखना है धनात्मक नहीं है, यही कार्य। इसमें माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा इस तरीके से, तो धनात्मक हो जाएगी और यह धनात्मक नहीं है। अगला सवाल नंबर सात है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं?
अभी छठे सवाल में पढ़ा था कौन कौन से परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं, अब सातवें बताना है कौन कौन से परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। छठवें पढ़ चुके हो, जो धनात्मक नहीं है वही ऋणात्मक है, तरीका वही। माइनस सात बटे प्लस का क्या रहा, माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो यानी कि ये ऋणात्मक है, यह परिमेय संख्या ऋणात्मक है। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो केवल बचेगा 6/13, तो यह परिमेय संख्या ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है यानी कि धनात्मक है। इसी प्रकार से ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। लिखेंगे कैसे आप, हमेशा हर बार ये लिखेंगे परिमेय संख्या -21/-23 ऋणात्मक नहीं है। अगला है सवाल नंबर 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप जैसे लिखा है का नंबर -9/21, सरल का मतलब कम, छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें पहचानना कैसे, छोटी छोटी संख्या का मतलब है ऐसी कोई संख्या जो जिससे दोनों संख्याएं कट जाए, अंश और हर दोनों पूर्णांक कट जाए, कौन संख्या होती है पहचानना पड़ेगा। 21 और 9 किस पाड़े में दोनों ही संख्याएं आती हैं, तीन में, तीन त्रिका 9, तीन आ गया और 3 × 7 = 21, तो माइनस का 3/7। अब ये तो किसी कट नहीं सकती क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया इसका सरलतम। यही था -18/-27, इसमें पहचानना पड़ेगा कि ये किससे कट सकती है, 3 से भी कट सकती है और 3 × 9 अगर देखें तो 9 से भी कट जाएगी, तो माइनस माइनस तो कट गया। या हम छोटी संख्या से काटते हुए चलते हैं तो पहले 3 से काटा, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 6/9 बचा, लेकिन देख रहे हैं कि 6 और 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये कट सकती है, 3 से ये भी और ये भी, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या से काट रहे हैं उस संख्या से अंश और हर दोनों ही कटने चाहिए, ये नहीं कि इसको 2 से काट लें और इसको 3 से काट लें, जिस संख्या से काट रहे हैं उस संख्या से अंश भी कटना चाहिए और हर भी कटना चाहिए। जैसे 3 से काटा 3 × 2 = 6 और 3 से ही काटा 3 × 3 = 9, तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार से गाय 21/-36, ये किससे कट सकता है, हम ये देख रहे हैं कि 3 से 21 कट जाएगा, 3 × 7 = 21, और ये देख रहे हैं 3 × 3 × 3 × 6, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कुल संख्या भी कटेगी, 3 × 7 = 21 तो लिख दिया, चिन्ह जो होता है वैसे ही लिख दिया जाता है, 3 × 3 और 3 × 6 यानी कि 12 × 3 = 36। 7 अभाज्य संख्या है, 12 भाज्य है, लेकिन ऐसी जब एक संख्या भी अभाज्य आ गई तो फिर वही उसका सरलतम रूप हो जाएगा, इससे ज्यादा सरल नहीं किया जा सकता, इसलिए 7/-12 ही इसका सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार से घात -36 और 64, किनारे की संख्या को देखें, इकाई की संख्या 6 × 4, दोनों ही सम संख्या है, जब सम संख्या होंगी तो 2 से अवश्य कटेगा, 2 से काटते हैं, चिन्ह वैसे लिख देते हैं, 2 × 2 = 2, 3 था 2 × 2 = 2, 1 बचा तो 1 इसके साथ जुड़ के हो गया 16, 2 से काटो 16 को, 2 × 8 = 16, यही कार्य इधर 2 × 3 = 6, कुछ नहीं बचा, 2 × 2 = 4, देख रहे हैं अभी भी दोनों किनारे सम संख्याएं, 2 से कटेगा माइनस, 2 × 9 = 18 और 2 × 1 = 2 और 1 = 12, 2 × 6 = 12, अब ये किसी से नहीं कट सकता क्योंकि यहाँ 9 है और ये 16 है, किसी भी पहाड़े में 9 और 16 एक साथ नहीं आता, इसलिए -36/64 का सरलतम रूप -9/16 ही होगा। अगला सवाल नंबर 9, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए का नंबर -3/4 बराबर खाली स्थान -2 बराबर खाली स्थान -28, इस वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े तो कौन सी संख्या यहाँ पर लिखी जा सकती है, ये देखना होता है।
इस संख्या में कितने गुणा करते चार में कि 20 हो जाता, चार पंचे 20, तो पांच गुणा हुआ इसमें, तो पांच गुणा इसमें करा दीजिए, पांच तीन 15, चूंकि एक माइनस नीचे था ऊपर था तो यहां नीचे है, तो अब चिन्ह की कोई बात नहीं क्योंकि ऊपर और नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कार्य इधर देखेंगे, चार में कितने गुणा कराते का 28 जाता, चार सते 28, और जिस सात का गुणा कराया तो सात का गुणा ये हमें ऊपर भी कराना होगा बराबर करने के लिए, सात त्रिक 21, ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ माइनस कर दीजिए हो गया बराबर। इसी प्रकार से खा है माइनस 5 बटे माइनस 8, माइनस दोनों ही जगह है, माइनस माइनस कट के हो गया प्लस, तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी आप देखते हैं 8 या 24 कितने गुणा कराए 8 में कि 24 हो जाए, 3 का 8 त्रिक 24, तो 3 का गुणा इसमें करा दीजिए, 3 बचे 15 बराबर हो गया। यही इधर लीजिए, इसमें हर में नहीं है कुछ, अंश में है तो हम अंश को देखेंगे, 5 में कितने गुणा कराए कि 25 हो जाए, 25 यानी 5 गुणा, तो 5 गुणा इसमें करा दीजिए, 5 8 40। इसी प्रकार से गा और घा स्वयं करना है। अगला सवाल नंबर 10, प्रत्येक के समतुल्य तीन और परिमेय संख्या लिखिए। नंबर का है 2/5, समतुल्य के लिए कुछ नहीं करना है, एक बार 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, एक बार चाहे तो 3 का करा दीजिए या -3 का करा दीजिए और 4 का करा दीजिए, सब में यही कर दीजिए, और भी कर सकते हैं, 2/5 था -2/5 भी लिख सकते हैं, वो भी समतुल्य भिन्न हो गई, समतुल्य परिमेय संख्या हो गई, या 2/-5 भी परिमेय संख्या हो गई। एक बार इधर माइनस लगा दीजिए एक संख्या मिल गई, एक बार नीचे माइनस लगा दीजिए एक संख्या हो गई, एक बार 2 का गुणा करा दीजिए एक संख्या मिल गई, लेकिन हम अलग अलग कराते हैं, ठीक है। देखिए 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10 हो गई, 2 × 3 = 6 माइनस का, 5 × 3 = 15 माइनस का, 4 × 2 = 8, 5 × 4 = 20 हो गई 3 समतुल्य संख्या। ऐसे ही खा और गा भी करना है, ये आप लोगों को स्वयं करना।